कुछ खाली नहीं लग रहा तुम लोगों को? राजीव सर नहीं है, बट लेट्स सिट डाउन। अरे तो अरे बैठो ना, आ जाएंगे। अरे बैठो, आराम से चिल करो। क्या काउच है? क्या देख रहा? वो चेयर। What about that chair? I'll tell you more about the chair right now. करण, करण वाह। कोई मुझे नहीं रोकेगा। वो राजीव सर की चेयर है भाई, क्या करूं? क्या फील है इस चेयर की? तू क्या कर रहा है भाई? राजीव सर की चेयर आएगा? नहीं करेगा। शर्त मैं बोल रहा हूँ तेरे साथ। तू बैठेगा नहीं वहाँ? नहीं बैठेगा। You won't sit there. नहीं बैठेगा। छोड़ ना, तू क्यों उसको बोल रहा है? क्या फील है इस चेयर की? वो दिन भी आएगा जब ऐसी ही मैं एक क्या शो होस्ट करूंगा। जल्दी आएगा, अपने बड़े बड़े कलाकार आएंगे, उनसे बातें करूंगा, उनकी कहानियां जानूंगा। देख सर आ जाएंगे, उठ जा प्लीज, उठ जा। वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा। ब्रो प्लीज उठ जा, सर आ जाएंगे। ब्रो क्या? अभी Listen close what I gotta say. वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, वो दिन भी जरूर आएगा। लेकिन वो दिन कुछ सालों के बाद आएगा मेरे दोस्त। आज तो मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा और आज आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। प्लीज हाय, गुड टू सी यू। प्लीज प्लीज, हाउ आर यू? वेरी गुड, लवली टू मीट यू सर। प्लेजर इज माइन। प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। मेरे सामने बैठे हैं टेलीविजन के उभरते सितारे अदनान अब्बास खान, करण जोटवानी और अर्जित तनेजा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एक्टिंग का ख्याल तुम लोगों को कहाँ से आया? कंप्लीटली ऑनेस्ट, प्योर पैशन था। एक्चुअली मैं एचआर मैनेजर हुआ करता था दुबई में। मुझे ऑलवेज पता था कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है, मुझे पता नहीं था क्या। एक दिन एक मूवी देखने लगा, विल स्मिथ की 7 पाउंड्स। वो मूवी देखने के बाद जो असर मुझ पर हुआ, एक अजीब सी फीलिंग, लाइक इतना हैवीली आई फेल्ट वो मूवी देखने के बाद। जो इमोशन विल स्मिथ ने मूवी में पोर्ट्रे की थी, मैंने महसूस किया था। इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मुझे ये करना है। करण, ऑनेस्टली सर, एक्टिंग मेरा पैशन नहीं है। मैं जॉब करता था मुंबई में, लोअर परेल। आई वाज वर्किंग एज अ कॉपीराइटर। मैंने सब छोड़ दिया। मम्मी ने कहा क्यों छोड़ रहे हो? मैं बोला पता नहीं, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। तो हुआ ये था कि आई वाज गोइंग टू लोखंडवाला, मेरा दोस्त रहता है वहाँ पे स्कूल का। तो मैं ऐसे बाइक पे जा रहा था और श्री जी है, श्री जी जो एरिया है वहाँ पे ओशीवारा में, जहाँ पर यूजली ऑडिशंस होते हैं उसके पास में। तो मैं ऐसे ही रुका था वहाँ पे, आई वाज जस्ट चिलिंग विद अ फ्रेंड ऑल, एंड आई सॉ लाइक अ ग्रुप ऑफ गुड लुकिंग मेन स्टैंडिंग देयर एंड समबडी गिविंग देम डायरेक्शंस के ऐसा ऐसा। तो उतरने के बाद आई वाज जस्ट लाइक क्या हो रहा है वहाँ पे, और मैं वहाँ गया तो सडनली एक लड़का था, भाई तू फिट है यार? मैं बोला क्या, तू फिट है मतलब? लाइक तेरे बाल लंबे, दाढ़ी है, शैम्पू गाड़ी तेरे को मिल जाएगा। काफ़ी एक्साइट किया मुझे कि यार ये क्या है। फॉर्मल ट्रेनिंग ली कभी कोई? कुछ नहीं, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं जिसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, या तो लिखकर या तो विजुअली एनएक्ट करके। एंड आई मस्ट से यू आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। हां, तेरे बालों से लेके तेरी वो जो कैंची से लेकर, यू आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरिजीत, ऑनेस्टली मैं इन दोनों ने जो आंसर दिए उनमें बीच में हूं। इतना वो भी नहीं था कि मैं बहुत डीपली घुस गया था एक्टिंग ही करनी है, एंड इट वाज नॉट माय पैशन सिंस चाइल्डहुड। और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं है कि एक्टिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। मूवीज़ वूवीज़ बहुत देखता था, थोड़ा फिल्मी सा था, तो
तो तब से शौक था कि मुझे करना है. तो स्कूल के बाद ग्रेजुएशन करी और बस सोचा कि बस बॉम्बे जाके करना है. तो बस इसी थॉट के साथ आया था. यार देखो तुम लोग बड़े जवान लड़के हो. Let's not give very politically correct answers. मैं बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते हो आपके यू नो आप देखते हो कि यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देखते हो कि क्या पॉपुलर है राजीव के पीछे. I agree to that. मैं उसमें ये ऐड करता हूँ कि obviously मैं सिर्फ ये सोच के नहीं आता कि एक्टिंग करूँगा. ये सारे एडेड बेनिफिट्स भी हैं एंड नो मैटर वॉट यू से यू एंजॉय इट. बहुत से लोग कहते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा ही विख्यात काउच है. कौन सा पॉपुलर काउच है? कास्टिंग काउच. कभी ऐसा हुआ कि किसी को कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा? सर मतलब ऐसे ऑफर तो लोग बहुत करते हैं ऐसे बॉम्बे में जब आओ तो, बट नो मींस नो. बताना कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा. सर बॉम्बे में आओ ऐसे ऑडिशन पे जाओ तो लोग ऐसे नंबर ले लिया चलो ठीक है, उसके बाद सम कोऑर्डिनेटर और सम वन एक्स वाई जी विल टॉक इन अ वे कि हाय नाइस डीपी लेट्स मीट. इफ यू रिप्लाई ओके लेट्स मीट फॉर कॉफी. नो नॉट कॉफी लेट्स हैव कॉफी एट माय प्लेस. तो वो बहुत वैसा हो जाता है. तो गया किसी के प्लेस पे? नहीं गया सर. कभी ऐसा हुआ कि तुझे काम मिल रहा हो लेकिन तूने मना कर दिया उस चक्कर में इसलिए तेरे को वो काम ना मिला हो? नहीं ऐसा नहीं. किसी के साथ हुआ? अदनान सर तो 3 साल गुजर चुके थे और मुझे काम नहीं मिला था सर. मेरा ऑडिशन काउंट तब तक 300-400 हो चुका था, नहीं मिला था मुझे काम. तो टीवी का फिर भी ऑडिशन मुझे थोड़े बहुत पता थे मगर फिल्म में मेरे को कहीं एंट्री नहीं मिल रही थी ऑडिशन करने के लिए. तो एक कास्टिंग डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरी एक फिल्म देखी एंड मुझे बुलाया. तो आई वेंट टू हिम, ही कॉल्ड मी 6:30 PM शाम में बुलाया. मैं समझ गया, मैं बोला मैं हैंडल कर लूँगा, इट्स फाइन. सर पहला सवाल था अगर आपको मेल डायरेक्टर या मेल कास्टिंग डायरेक्टर काम दे रहा है मगर वो चाह रहा है, आई सेड नहीं. इज लाइक खत्म नहीं करनी, आई सेड नहीं. अगर फीमेल हुआ, आई सेड मे बी फीमेल, इट्स फाइन यू नो इफ शी इज हॉट व्हाई नॉट. पर That rhymed. अगर फीमेल है तो if it's a female and if she's good looking and you know I'm it's okay I'll think about it. I said no. He's like आपने सुना भी नहीं. I said नहीं, मेरे को पता है आप कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं करूँगा. उसने मुझे बहुत सारी चीजें कही. My need for work was so bad that I sat there for 4 hours. पर उनका कहना था कि शाहरुख खान finds opportunities in every problem. You people are finding problems in every opportunity. Sir, वो रात I went home, my mom said क्या हुआ बेटा? I said नहीं कुछ नहीं. I was so depressed. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये तरीका है पहुंचने का आगे, ये तरीका आगे पहुंचने का. तुम्हें क्या लगता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का तरीका हर इंसान को खुद चुनना चाहिए या फिर कोई एक you know there should be some right ways of reaching your goals? मैं ये believe करता हूँ कि there is no shortcut home. भले आपको 10 साल लगे एक ब्रेक मिलने में, अगर यहाँ आपको 1 साल में ब्रेक मिल रहा है, 6 महीने में ब्रेक मिल रहा है, ये सब फेवर्स करके, तो आप अपने आप को जब व्हेन यू गो बैक टू बेड इन द नाइट हाउ विल यू स्लीप पीसफुली. ये जो हमारी आत्मा है इट विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू कि ये क्या है. कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आप शूटिंग कर रहे होते हो और आपकी को स्टार आपको हल्का सा इशारा करती है. अपने को एक्टर से कभी कोई एंड मिली एज इन हाउ डू डील विद दिस? ऐसे मतलब क्या? नो कंप्लीट योर सेंटेंस, माइक इज योर. सो हां बस सर ऑनेस्टली हिंट मिली भी है, हिंट दी भी है. अ क्वेश्चन कम्स हियर, अगर वो स्टारडम छीन ली जाए आपसे, डू यू थिंक तुम लोगों में वो एबिलिटी है टू विन ओवर अ वुमन? यस. लेट्स फाइंड आउट कि अगर कोई लड़की और बहुत ही हॉट खूबसूरत और पॉपुलर लड़की तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करे, तुम में से कौन वो है जो उसका दिल जीत सकेगा? सो प्लीज वेलकम द हॉट एंड हैपनिंग प्रीटी ब्यूटीफुल सना सईद. अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. Beautiful, beautiful.
सना, तैयार हैं आप? जी। पता ना आप लोगों को क्या होने वाला है? सना आपसे सवाल पूछेंगी, बाय द एंड ऑफ इट सना डिसाइड करेंगी कि आप में से कौन वो काबिल इंसान है जिसके साथ में ये डेट पे जाना चाहेंगे। Are you ready? Yeah, I think so. शुरू करते हैं अदान के साथ। Sure. Okay. सबसे पहले मुझे एक अच्छी सी शायरी सुनाओ। सना, फूलों में तुम पली हो, कमसिन कमसिन कली हो, और इतना इतना तैयार हो के कहाँ चली हो, इतनी हॉट भी मत लगो कि दिल में कली बली हो, क्योंकि कली बली हो गया है दिल, यहाँ से तेरा कली बली हो गया है दिल। ये आप सीख के आए हो? मुश्किल था, मुश्किल था, पर नहीं नहीं सच बोला, ये आपने ऑन द स्पॉट बनाया है कि आप सीख के आए हो? आपको क्या लगा? अच्छी लगी थी। वाह वाह वाह। ओके ओके अनान, सेकंड क्वेश्चन जी, आप में क्या बात है जो इन दोनों में नहीं है? आपको ऐसी ऐसी कहानियां लिख के सुनाऊंगा कि आपको आपको कभी बोर नहीं होने दूं, ये वादा करता हूं आपसे, आप कभी बोर नहीं होंगे। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ये दोनों मुझे बोर करेंगे? नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मुझ में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? देखिए, मैं खूबसूरत तो सब कहेंगे, वो नहीं, वो तो सबको पता है, जितना मैंने आपको कुछ इन मिनटों मिनट में जाना है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दिल से लगता है कि आप यू'ड बी ग्रेट टू बी अराउंड। ये बहुत अच्छा था। अर्जित, क्या आप तैयार है? Yeah, of course, I'm ready. आपके बारे में ऐसी तीन चीजें बताइए जिसे सुनकर मैं इंप्रेस हो जाऊं और आपके साथ डेट पे चलूं। पहली चीज, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फ्रेंड्स। मैं मेरे परिवार में बस तीन लोग हैं, पर मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं, फ्रेंड्स आर फैमिली यू चूज, तो मैं बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। एंड दूसरी चीज, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं आपको दुनिया घुमाऊंगा और मैं साल में तीन बार ट्रैवल तो करूंगा। आई लाइक दैट। ठीक है, मैं लड़कियों की बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सोच समझ के आंसर देना, आपको अदनान से ज्यादा स्कोर करना है? जी जी बिल्कुल। ओके, तो हम दोनों ही टाइटैनिक पे है। अच्छा। डूब रही है। ओके। और मैं नहीं चाहती कि आप मरो, और मैं खुद भी मरना नहीं चाहती। हमारे पास लाइफ जैकेट भी नहीं है, रेस्क्यू बोट भी नहीं है, क्या करोगे? टाइटैनिक पे है जो डूबने वाली है, तो या तो हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो जब वो डूब जाएगी तो हम एक डोर नहीं, हम दो डोर लेंगे उसके डूबने के बाद, और हम एक डोर पे आप होगे, एक डोर पे मैं होऊंगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हम ऐसे मुझे टाइटैनिक पे डूबते वक्त रोना क्यों आ रहा है? दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? Hey Sana, long time no see. Hey Sana, it's been so long. मैं आपको लेके स्विम कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। एक काम करते हैं, आप डूब जाओ, मैं राजीव के साथ जा रही हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन राजीव। तो आपका नाम अर्जित है जी, तो गाना तो सुनाना पड़ेगा। Come on, sing me a nice song. What a look, what a grace, दिल तेरा हो गया है fan. What a nakhsh, what a nain, killer तेरा attitude. थोड़ी rude, थोड़ी soft, तेरा मस्त है attitude. ओ तेरे लिए ही तो signal तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली girlfriend छोड़ छाड़ के, तेरे लिए पैसे वैसे छोड़ छाड़ के, घर वालों को भी बाय साय बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। ये मैंने एक्चुअली में किया है। वेरी वेरी नाइस यार। हाय हाय,
रेडी करण सो आई थिंक इसको नहीं करना है. एक रीजन बता दे कि मैं तेरे साथ डेट पे क्यों जाऊं. टफ वन. नहीं, आपको मेरे साथ डेट पे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ. या ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं. अगर ऑनेस्ट होता तो बोलता कि मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ. मैं बहुत ही सिंपल है यार. सिंपल है. सैटरडे नाइट हम जाएंगे, पार्टी करेंगे, वी विल गेट ड्रंक एंड वी विल एंजॉय टिपिकल डेट एंड देन वी विल गो फॉर अ कार ड्राइव टू मरीन ड्राइव. अगर तुम्हें घर नहीं जाना तो वी कैन गो फॉर अ लॉन्गर ड्राइव टू लोनावला. उसके बाद हम गोली मार दो. सुबह सनराइज एट टाइगर पॉइंट देखकर वापस आ सकते हैं. मैं तुम्हें वापस घर छोड़ सकता हूँ सेफ एंड साउंड बिफोर योर पेरेंट्स वेक अप. आई होप दे वेक अप आफ्टर सनराइज. ये भी क्या बोला मेरे को बहुत क्वेश्चन क्या था. हाँ तो अपने बारे में एक चीज बताओ. हाँ, जो सुन के मैं आपके साथ बाहर आऊं. सेकंड क्वेश्चन, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ. एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में मेरी कितनी थी. आई हैड फाइव रिलेशनशिप्स एंड कहने की चीजें नहीं वर्क आउट हुई. तो उसके अलावा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है सबके तरफ जो हमेशा रहेगा. लास्ट क्वेश्चन. I love dancing. Like, I love it. Want you to do a dance for me. A cute, romantic dance number or music meri choice ka. The dance was no comments. So I think मैं completely convinced नहीं हुई हूँ. तो एक last चीज करते हैं तुम तीनों के साथ. तीनों मुझे push-ups करके बताओ. जो भी सबसे ज्यादा last करेगा उसको एक extra point मिल जाएगा. इसमें देखो अब देखना. अब होगी जंग. On the floor. Three. Two, one. Oh my God, amazing. Yeah, power hai, kya energy hai. All right, so finally, time for results. Report card देखने का वक्त आ गया सना. ये रहा envelope. इसके अंदर आप नाम लिख सकती हैं उसका जिसे आपको लगता है कि आपके साथ डेट पे गुड फाइट जाना चाहिए. तो ये इनके जाने के बाद ये मैं खोलूंगा. कैसे लगा आपको इन सब के जज्बात को देखकर? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. एंड आई होप यू गाइस आर वेरी सक्सेसफुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. इट वाज रियली रियली नाइस हैविंग यू हियर. यू मेड द सेट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल. थैंक यू. कम. थैंक यू. मेरे सामने बैठे हैं टीवी के तीन उभरते सितारे अदनान, करण और अरिजीत. ऑलराइट, आप तैयार हैं रिजल्ट सुनने के लिए? मैं जानता हूं विजेता कौन है. डॉन. आप? आप? डॉन. क्या लगता? जोटवानी. मुझे लगता है सना बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है. इसने नाम की स्पेलिंग भले ही गलत लिखी हो लेकिन इंसान बिल्कुल सही चुना है. हीरे की परख जौहरी को होती है. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तुम लोगों ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया एंड आई रियली फील कि आने वाले समय में तुम लोग, आई डोंट नो, मेबी गोट ऑन अ डेट विद सना, यू गेट लकी इनफ. नहीं सर, नहीं नहीं, किसी के साथ डेट नहीं हुआ जब तक आप है. अगर कोई भी औरत होती ना एंड हम चार स्टेज पे बैठे होते, एवरी वुमन आउट देयर इंडिया में आपका नाम.
mean, that's really... मेरे पास शब्द नहीं कि मैं क्या कहूँ. Thank you so much for giving me your love. एक question मैं पूछना चाहूँगा आप तीनों से. You know, actor बनने के लिए what do you think is very important? Because बहुत से जो youngsters हैं वो तुम लोगों को देख रहे होंगे. तो मैं क्या लगता है actor बनने के लिए क्या जरूरी है? सर वैसे तो काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं बट मुझे लगता है जैसे मैं भी कह रहा था कि कुछ लोगों का बस ये होता है कि सीधा वो आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे चलो एक्टर बनना है चलो चलते हैं. आई थिंक वो काफ़ी नहीं होता. थोड़ा फोकस भी रहना चाहिए और आई थिंक थोड़ा ठीक ठाक दिखना चाहिए और मेहनत तो हर फील्ड में होती है. कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है. आई वाज गोना से कॉन्फिडेंस और इमोशनल being able to feel हाँ sensitive होना कितना important है किसी actor को अच्छा दिखना. अच्छी सूरत हो तो आदमी अच्छा actor बन सकता है. No, not at all sir. तो मतलब actor को एक आज की तारीख में जब इतना competition है एक अच्छी सूरत के साथ साथ में awareness भी होनी चाहिए हमारे आसपास क्या of course होनी चाहिए ना. जी बिल्कुल. तो ठीक है अरिजीत की special request की वजह से हम लोग एक general awareness का game खेलते हैं. मैंने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया बट हाँ तूने कहा ना अभी कि अवेयरनेस होनी चाहिए बट मुझे पता नहीं था आप किस चीज कौन सी अवेयरनेस की बात कर रहे हो. बट ठीक है किससे शुरू करूं बोलो. किससे सर? अदनान. अदनान जी एमिरेट्स में कितने एमिरेट्स हैं? 7. नाम मालूम है सबके? हाँ. क्या क्या नाम है? अबू धाबी, शारजा, फुजैरा, उमर क्वेन, दुबई एंड अजमान. सेकेंड क्वेश्चन, शोले में होली के दिन जया जी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी? White. Bang on. I got that right. Yeah. Okay. Third question. DDLJ में शाहरुख ने काजोल को क्या नाम दिया था? बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों में होता है. सेनोरिता. ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. वेरी क्लोज. ओके लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन टू रीच मून. द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट वाज नील आर्मस्ट्रांग. या गुड जॉब बॉय. सुपर. आगे बढ़े. लेट्स मूव ऑन टू करण. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? ओह माय गॉड. वाइल्ड गेस. 33. अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें, कुछ साल और लगेंगे. थोड़ा से कम. नहीं वो काफी टाइम पहले थे. आसपास. 29. हैंग ऑन. यस. लास्ट स्टेट कौन सा था जो बना था? तेलंगाना. हाँ हाँ सर. ओके. मिस्टर इंडिया में सतीश कौशिक के कैरेक्टर का नाम क्या था? आज तारीख क्या? डायरी. कैलेंडर. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वेरी नाइस. गदर फिल्म में सनी देओल ने पाकिस्तान में क्या उखाड़ा था? हाँ हैंडपंप. हाँ इसमें से पानी भी. प्रॉम्प्ट डाल. गाइस आर रियली प्रॉम्प्ट. आई लाइक इट. इलेक्ट्रिक ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से साउथ वेस्ट जा रही है लेकिन विंड जो है हवा जो है वो ईस्ट से नॉर्थ बह रही है. तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? I was bad at math and all of this. नहीं. अगर करण पास बोलेगा तो जवाब आएगा. पहले हाँ करण को पहले पास. 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 हाँ बोल. It's an electric train. It's an electric train. Last question. अच्छा मुझे दुनिया के तीन oceans के नाम बता दे. Pacific, Atlantic, Indian. Superb. Fantastic. Now we come to the man himself, जिनकी वजह से हमने ये game खेला. Bro. अरिजीत, इंडिया में Mount Everest कहाँ है? सर उधर वो ऊपर वहां पे है. इंडिया में कहाँ है? अच्छा इंडिया में नहीं है तो कहाँ है? नेपाल. करेक्ट. बैंग ऑन. नेपाल में. यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर सर. केरला की करेंसी क्या है? सर रुपी सर. इंडिया में केरला सर. अच्छा अगर चमेली चिकनी है मुन्नी बदनाम है तो बबली क्या है? बबली बदमाश है. आई नो. आई लाइक इट. द लास्ट क्वेश्चन, दबंग में चुलबुल पांडे के भाई का नाम क्या था?
अरबाज खान. चुलबुल पांडे. चुलबुल पांडे के भाई अरबाज खान थे. मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ. चुलबुल पांडे स्क्रीन कैरेक्टर थे. स्क्रीन बुलबुल पांडे. पास कर दे, पास कर दे. हाँ, बुलबुल पांडे. बुलबुल पांडे. तो मक्खी कौन था? मक्खी मक्खी मक्खी. ब्रिलियंट. ये थे हमारे नौजवान एक्टर्स. बट ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट, जब हम एक्टर बनते हैं उसके बाद हम यू नो मीडिया के लैमलाइट में आते हैं. कभी कभी लोग कहते हैं कि लैमलाइट में रहना बहुत जरूरी होता है. कभी अपनी खुद कहानियां बनाई हैं? नहीं नहीं सर. सर एक्चुअली मुझे तो ये जो पीआर एंड ऑल भी होता है ना, मैंने आज तक करा नहीं. एंड आई डोंट लाइक इट. मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. मुझे नेवर हैड अ मैनेजर, नेवर हैव एनीवन टू हैंडल माय अकाउंट. बट डू यू थिंक दैट कि एक्टर के लिए हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस? हाँ, वो सब ठीक है सर. बट जैसे वो होता है कि आज मैंने खाने में ये खाया, उसका किसी का हेडलाइन बन गया, वो मेरे को बहुत अनवांटेड और दैट्स वेरी स्टूपिड. करेक्ट. बट आई एम स्टिल, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाजिर जवाबी, बिकॉज जब हम प्रेस के सामने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ना दैट इम्प्रॉम्प्टू होना, आई थिंक वो एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है. कॉन्फिडेंस आता है ना. वो कॉन्फिडेंस. यू थिंक यू गाइस आर कॉन्फिडेंट? यस यस. सुपर्ब. तो एक गेम खेलते हैं. तीनों साथ में खेलेंगे. हाँ. जिसमें हम देखेंगे कि हम कितने इम्प्रॉम्प्टू हैं, कितने हाजिर जवाब हैं, कितनी जल्दी हम बात से बात बनाते हैं. ये जो गेम होगा एबीसीडी गेम है. इसमें मैं एक इंसिडेंट दूंगा, मैं एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन से कहानी शुरू करनी है. सपोज करो अदनान से शुरू करेंगे, आप कहानी शुरू करोगे. ओके. चुटकी बजाऊंगा मैं. हाँ. जैसी आप वहां रुक जाएंगे, उसके बाद में उस कहानी को आप कंटिन्यू करेंगे बी से सी से. And then we come back. उसके बीच में छोटा सा ट्विस्ट है. जब आप कहानी सुना रहे होंगे तो मैं बीच में आपको वर्ड दूंगा, उस वर्ड को आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कहानी के. ओके. समझ गए? ओके. अर्जित शुरू कर. अर्जित, सिचुएशन है, रात में चाउमीन खा रहा था, चाउमीन पर बिजली गिर गई. ए से शुरू करेगा तू. स्टार्ट. एक दिन मैं रात में चौमिन खा रहा था, चौमिन पे बिजली गिर गई, फिर बिजली मेरे पे भी गिर गई. उसके बाद चौमिन खाते खाते मेरा फ्लश निकल गया. फ्लश निकल गया उसके बाद मैं टॉयलेट से बाहर आया तो फिर माचिस जलाई, सिगरेट पी के मेरा सारा धुआं बाहर निकल गया. पता भी नहीं धुआं बाहर निकल गया. फिर आग लग गई. उसके बाद हुआ ये कि बकरी. हाँ, बकरी. फिर नीचे बकरी मैं कर रही थी. बकरी भी आ रही थी तो हमने सोचा यार सैंडल. फिर सैंडल लीव्स की बनी थी, सैंडल खिला दी बकरी को. बकरी खाने लगी. फिर मैं और करने लगी. और भूख लग रही थी बकरी को. उसके बाद हुआ ये कि वो जू गया और जू में उसको तीन चार जानवर दिखे. और जानवर देखने के बाद उसने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी ये क्या है? और अम्मी ने कहा, ये सब खाने के बाद चाउमीन नहीं खाना क्योंकि इलेक्शन में तुम वोट नहीं कर पाओगे. मोमबत्ती. चाय पीने का इरादा नहीं होगा, मोमबत्ती जला दोगे. और उसके बाद थोड़ी सी आग आएगी और आग में हम दोनों हवन करेंगे. हवन करने के बाद हम अंग लगा देंगे. अंग लगाने के बाद हम रॉकेट जलाएंगे. फिर हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे. हम बातों में डिस्कस करेंगे कि हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है. डेस्टिनेशन पे जाके लंदन जाएंगे, वहाँ फूलझड़ी जलाएंगे, लोगों को फूलझड़ी बांटेंगे. फूलझड़ी बांटने के बाद बोलेंगे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, आप सबको हैप्पी दिवाली. तलवार. और हैप्पी दिवाली के बाद तलवार निकालेंगे, बोलेंगे यार नो नॉइस पोल्यूशन. छतरी. हाँ, छतरी. फिर सडनली बारिश होने लगती. फिर हाथ में छतरी आ जाती, तलवार एक हाथ में छतरी. भागो. और उसके बाद डांस नहीं कर सकोगे क्योंकि आपको डांस करना नहीं आता. धन्नो क्या होता है? डांस ले लो. ओके, टॉकिंग अबाउट आर प्रोफेशनल करियर्स, हमने जो काम किए, तुम लोगों ने जो काम किए, तुम लोगों को बहुत पसंद किया गया. यू नो जो तुमने शो किए हैं उसमें, यू नो शोज आर डूइंग वेरी वेरी वेल. तुम्हारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. करण, डू यू नो दैट कि जो कैरेक्टर तू प्ले कर रहा है जी, आई मीन इट्स हैड अ मैसिव इफेक्ट ऑन पीपल. तेरे शो में तू रोमांस कर रहा है अपने से उम्र में जो बड़ी 42 साल की जो लेडी हैं उनके साथ में. ना वो रेगुलर रोमांस नहीं है जी. तो इस तरह का रोमांस करने के लिए कुछ तुझे किसी के साथ बैठा, डायरेक्टर के साथ में, राइटर के साथ में बैठा, कुछ वर्कआउट किया? ऑनेस्टली कुछ नहीं किया मैंने. ये मेरा लास्ट मिनट कास्टिंग हुआ था. मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं वी वॉन्ट सम मिसचीफ इन द कैरेक्टर. 24 साल का एक है लड़का और इंटेंस भी है, आगे चल के इंटेंस हो जाएगा. ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं आती. और तूने ये रोल बहुत कन्विंसिंगली प्ले किया जी. इसमें कहीं कोई पर्सनल लाइफ से कभी कुछ, कभी ऐसा हुआ लाइफ में?
हुआ था 2-3 साल पहले इंडस्ट्री के बाहर ही, बट सिचुएशन ऐसा था कि शी हैड रीजंस एंड दे वर जस्टिफाइड. तो कहीं ना कहीं मैं कुछ फोर्स नहीं करना चाहता किसी के साथ, तो कंसेंशुअली एक डिसीजन लिया गया एंड आई एम गुड फ्रेंड्स विद हर टुडे. पर तुझे मालूम है जो तूने कैरेक्टर प्ले किया बहुत ही काबिले तारीफ है. विमेन खासकर जो हैं विमेन, उन पर क्या रिएक्शन हुआ है तेरे इस कैरेक्टर का? यू नो कुछ लोगों ने यहाँ पे शो पे भी तेरे लिए मैसेज भेजा है. हाय करण. हाय करण. हाय करण. करण तुम्हें अपने से बड़ी उम्र की लड़कियाँ पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं? मैं भी तो 42 की हूँ, मुझे तो देखो. आई एम ऑल्सो 40+, तो तुम वो लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? आई एम ऑल्सो गुड लुकिंग. करण मुझे आपके साथ शादी करना है, आप शादी कर लोगे प्लीज? हाय करण, हमारी सुहागरात के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम बस आ जाओ और प्यार से मेरा घूंघट उठाओ. आप इतने अच्छे और इतने खूबसूरत हो, उसने आपके डिम्पल्स इतने क्यूट लग रहे हैं कि मैं आपसे शादी करने को तैयार है. मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलोगे क्या? सुपर, कैसा लगता है? अच्छा लगता है. इतना प्यार मिल रहा है, तूने कहा कि तेरे सोशल मीडिया पे भी तुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. जी सर, हमारा शो है थोड़ा अलग है, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मैं काफी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूं और थैंक यू कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम सोच बदल रहे हैं लोगों की सोशल मीडिया पे. जी तूने क्या अपनी इमेज बना रखी है, उसका भी एक नमूना देख ले. यस प्लीज. इंसानियत. ये कौन है? मैं बताता हूँ. तो मेरे दोस्त साहिल मेहता का बर्थडे था. इसने क्यों है? तो उसका बर्थडे था सर, तो उसने कहा था कि जो जीता वो सिकंदर पिक्चर का थीम है. तो सब संजय लाल शर्मा बन के आए, कोई शेखर मल्होत्रा बन के आया चड्डी में. तो मैंने बोला मैं कुछ अलग करता हूँ. I wanna go as पूजा बेदी. पटाखा बनो. And नीति सर डिलीटिंग माय इंस्टाग्राम पोस्ट. इसके पीछे क्या स्टोरी है? बस यही है कि ये मैंने दिवाली के क्रैकर पे देखा ऐसा फोटो, तो मैंने बोला मैं भी ऐसा पोस्ट करता हूँ. That's about it. Where's my prince? Come. Snapchat filter है. Snapchat filter पे तो ऐसे बोलते रहता है, टाइम पास करते रहते हैं हम लोग. That's it. Moving on. तो ये जो आप करते रहते हैं जी, बेसिकली अरिजीत, डू यू थिंक जो सोशल मीडिया पे एक रिस्पॉन्स मिलता है वो रियल वर्ल्ड में वही रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं नहीं सर, वो एकदम आई थिंक वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो मेरा शो नंबर 1 शो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उस 1 मिलियन में से आई थिंक 1% भी नहीं देखते होंगे. नहीं नहीं, आई डिसएग्री यार. इन टुडेज वर्ल्ड मैं ये मानता हूँ मैं नहीं हूँ एक्टर जरा भी. आप पूछ रहे थे सर मैं दिन में शायद 20 मिनट सोशल मीडिया पर. आज टू बिकम एन एक्टर टूडे फॉर आवर जनरेशन यू हैव टू बी active on social. No, you have to be. I don't, I'm not saying that you don't have to be active on Instagram, but all I'm saying is ki aisa nahi hai ki Instagram ke agar aapke bahut followers ho gaye to wo aapka aapke TV show ke viewership, it doesn't matter. Moving forward, aisa kabhi hua ki kisi ladki ko bahut hum log you know messages bhejte ho ya you know we try to just initiate a conversation, baat karna chahte ho aur usne tab kabhi bhi bhav na diya aur jaise hi aap actor bane to aapko messages aana shuru ho gaye? सर मैंने ऑनेस्टली शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी एक क्रश थी स्कूल में, बहुत ट्राई करता था सर मैं, उसने मेरे को कभी भाव नहीं दिया बिल्कुल भी. मे बी मेरा बचपना था या क्या था, जब उसने मेरे को ऐसे मैसेज किया जैसे इनको आया, तो मैंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया और मैंने वो इट्स माय टाइम आई विल गिव इट बैक टू यू. तो सर मेरे साथ तो अभी कुछ ही दिनों पहले सेम आपने जो कहा सेम चीज़ हुई. जो एक लड़की थी जवाब कभी नहीं देती व्हाट्सएप का या फ़ोन का, दो मैंने ये शो को नहीं हुए एंड कहा तुम मिलने नहीं आ रहे हो, मिलने नहीं आ रहा हूं मैं सिर्फ 2 महीने के बाद मिलने नहीं आ रहे हो. मैं सोच रहा हूँ ऐसे माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है. तो ये एग्जैक्ट सेम चीज हुई है सर जो आपने कहा. बट यू नो रिमेंबर वन थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जिंदगी में ये बात समझना कि फेम के साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. एनी वे एक्टर बने आप लोग, बहुत पॉपुलर हो गए. नाउ टेल मी कैसा लगा जब अटेंशन मिली, तो कैसा था वो फर्स्ट मोमेंट जब किसी ने बोला आई नो यू? सर थोड़ा अजीब लगा, बट नॉट द फर्स्ट टाइम. समथिंग कूल हैपेंड, माय मॉम्स बर्थडे मे 8 को थी एंड मैं और वो अकेले गए एक छोटी सी रेस्टोरेंट में, बहुत छोटी सी रेस्टोरेंट थी. वी वर हैविंग डिनर एंड देन सम पीपल वर वॉचिंग मी, तो मुझे मैं थोड़ा बहुत समझ गया. सर ऑनेस्टली थोड़ा एक वो आने लगा कि क्योंकि मेरी आज तक मॉम ने ये नहीं देखा है. दे वेंट आउट एंड दे केम बैक इन एंड देन दे अरे सर प्लीज एंड फोन नहीं है ऑटोग्राफ एंड. तो आई वॉज वॉचिंग माई मॉम, तो सडनली शी स्पोक एंड शी फेल्ट प्राउड. दैट वॉज वेरी कूल सर फॉर मी, दैट वॉज वेरी ऑसम. करण पहली लड़की जब तेरे पास में आई सर मैंने बोला या चिल लेट्स क्लिक अ सेल्फी
तेरे अंदर कुछ घंटियां नहीं बजी, तुझे कोई नहीं कुछ घंटियां अभी मैं देख रहा था, डांस कर रहा था वो डांसर्स के साथ में, स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट स्क्रिप्ट था, दैट वाज जस्ट स्क्रिप्ट। अरिजीत, पहली बार जब किसी लड़की ने पहचाना और सर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले एक रियलिटी शो किया था, उसके बाद दिल्ली चला गया था। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉम्बे एंड एवरीवेयर एल्स। तो मैं ऐसे ही मॉल वॉल में चला गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ होता था तो सब घेर लेते थे व्हेन यू आर ईटिंग फूड, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर विद फैमिली तो भी हो जाता है, बट तब आई पर्सनली फील अ लिटिल शाय, शर्म आ जाती है थोड़ी। सो टेल मी वन थिंग, जब हम एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर में घुसना और कैरेक्टर से बाहर निकलना कितना आसान लगता है? जरा भी इजी नहीं है सर। हाउ डू यू डील विद इट, कैसे मैनेज करते हो? घर आने के बाद में उस कैरेक्टर को कैसे बाहर निकालते हो? और मुझे लगता है कि अगर दिन में इमोशनल सीन होता है तो इट्स द होल डे इज गॉन, इतना हैवी टोल होता है दिमाग पे कि वो जहन में बैठ जाता है। तो अभी तक मैंने वो सीखा नहीं है कि सीन खत्म हो गया एंड स्विच ऑफ स्विच ऑन, अभी तक नहीं सीख पाया सर। डर क्या है जिंदगी में, फियर क्या है? कि मैं अपने सपने पूरे नहीं करूंगा और मर जाऊं। मुझे खुद से डर लगता है कभी कभार कि कहीं मैं इतना नहीं घुस जाऊं कोई कैरेक्टर में कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊं। प्रॉब्ली लूजिंग माय फैमिली से डर लगता है। But right now, I hate reptiles. You hate reptiles? I can promise you that yes, set ke upar koi reptiles nahi aayenge, kuch nahi hoga. I want all three of you to sit fearlessly, bina dar ke yahan par baitho. Ji. Aur bina dar ke ek rapid fire round khelenge. Mujhe pata tha kuch na khelo. Mujhe pata tha kuch aa raha hai. Main kuch chatpat sawal aapse puchunga, jiske aapko chatpat jawab dene. Ji. Arjit. Yes sir. Aapko chhodkar, I mean, dono mein se better actor kaun hai? So, मुझे ये he's a good actor. मित मुझसे भी बेटर है। नाम बताओ। करण जोटवानी। जोटवानी जोटवानी। करण, टेलीविजन एक्ट्रेस जिस पे कभी आपको क्रश हुआ हो? सुरभि ज्योति। सुपर। अदनान, लॉट्स ऑफ मनी फॉर अ नेगेटिव रोल और हाफ मनी फॉर अ पॉजिटिव रोल? लॉट्स ऑफ मनी फॉर अ नेगेटिव। That's because you escape, because you love acting. Yes, negative में बहुत मजा है sir. अरिजीत, पैसा या popularity, fame? Rapid fire guys, rapid fire. Yeah. Yeah, three fame. Seconds now. After this, fame. 3 seconds now. Fame, fame. Okay. Karan, ऐसा कोई character television पर जो आपको लगता हो कि आप better perform कर सकते थे? I saw the trailer of Bepana recently, where I think that guy is a little mad. The guy's name is Harshad. Adnan, luxury car ya ghar, in dono mein se pehla kya khareedoge? House, pehle ghar sir. Apni girlfriend se breakup ya apne dream project ka chale jana, kisse tujhe zara takleef hogi? Dream project ka chale jana. Girlfriend chali jayegi, koi fark nahi padega. Last question, Karan, strong character role ya dull lead role? Strong character. All right, so आगे बढ़ते हैं। Life में कोई regret अभी तक? मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का करियर अभी शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी काफी time हो गया है। Any regret in life? कोई ऐसा ऐसी चीज जिसे सोचकर लगता हो कि यार काश ये नहीं हुआ होता? काश मैंने झूठ नहीं बोला होता और चीजें बेहतर होती एक specific इंसान के साथ, but लेकिन अच्छा हुआ चीजें खत्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने फ्लॉज और अपने अपनी गलतियों को माना है, एक्सेप्ट किया है, रियलाइज किया कि मैं कौन हूं। जब चीजें खत्म होती है तब आप रियलाइज करते हैं। सर रिग्रेट नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा मे बी डर ऐसा था दैट मैं इससे पहले जो शो कर रहा था मैं उसमें कैरेक्टर रोल कर रहा था, सपोर्टिंग रोल कर रहा था, तो मैंने वो 3 साल तक किया था, तो उसके बाद आई वॉन्टेड टू मूव ऑन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था वहाँ पर एंड आई हैड टू मूव आउट। तो जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे ऐसे लगा कि
I'm upsetting people and leaving, but thankfully aisa nahi tha. To wo tha, but thankfully God is great, to aisa nahi hua. So main aapko bolunga hai kya, magar maine usse bahut kuch seekha hai. To jab main Bombay aaya tha, to my dad and my mom, mere abbu aur ammi Bangalore gaye the, and my dad was terminal at that time. To mujhe pata tha he had cancer basically. And 6 months, the doctors had said 6 months. तो वो फोन करते थे और ये वो. मैंने कभी इतना सीरियसली उस बात को नहीं लिया जितना लेना चाहिए था शायद, क्योंकि जस्ट बिफोर ही पास्ड अवे ही हैड कॉल्ड मी वंस, एंड मैं थोड़ा बिजी था, एक्टिंग स्कूल से वापस आ रहा था, ट्रेन पकड़ रहा था, एंड आई सेड डैड आई कॉल यू बैक, नेवर कॉल्ड हिम बैक. जाना चाहिए था मुझे, दिवाली की छुट्टी मिली थी 3 दिन, 2 दिन की छुट्टी मिली थी, और मैंने सोचा नहीं जब तीन दिन की छुट्टी मिलेगी या 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा 1 महीने में, एंड नहीं हुआ. बहुत रिग्रेट था सर, बहुत गिल्ट था उसमें, मगर मैंने आपको क्या कहा कि सर वो सीखने को मिला है, तो अब मेरी अम्मी के साथ, मेरी खाला के साथ और हर फ्रेंड एंड मैं रिलेशनशिप्स को ज्यादा सीरियसली लेता, क्योंकि सिखा दिया उस सबक ने मुझे सिखा दिया. आई होप वो जहां कहीं भी हो उनकी दुआएं तुम्हारे साथ में हो, अपनी जिंदगी में आप लोग आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच इस शो पर आने के लिए. यू नो जो अभी तो तुम लोग फ्यू स्टेप्स अभी तुम लोगों ने जिंदगी में लिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि लंबी रेस खेलो तुम लोग, जिंदगी में बहुत आगे जाओ और इसी तरह से अपने जज्बातों को समेट कर रखो, इन जज्बातों की इज्जत करो, दूसरों के जज्बातों की इज्जत करो, एंड होप यू गो अ लॉन्ग वे इन लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू फॉर हैविंग अस, विश यू गुड लक, मींस अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. तो इनकी जिंदा दिली से हमने एक बात सीखी कि ये आज में जीते हैं और जो आज को समझते हैं कल उन्हीं के चमकते हैं. मैं हाजिर हूंगा दोबारा आपके सामने एक और एपिसोड के साथ, एक और जज्बात भरी जिंदगी के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड नाइट. Nervous? हाँ सर थोड़ा. Excited. Sorry. Welcome to Jazbaat, powered by Lux. मेरे सामने बैठे हैं. बोल 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 बोल.